तो आज सुबह सुबह का मौसम देखिए, रात भर बारिश हो रही थी और अभी भी हल्की फुल्की सी बारिश हो ही रही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये मौसम देखकर। ओके जी, तो अब मैं जाने लग गया हूँ नीचे वाले घर की ओर और बारिश भी बढ़ गई है, और साथ में लेके जा रहा हूँ कट्टा जिसके अंदर है मट्ठा, इसको भेजना है पिथौरागढ़ बुआ के लिए। बाकी देखिए आज का व्यू, बहुत महीनों के बाद बारिश जिसका सभी को इंतज़ार था, और ऊपर को तो बर्फबारी हो रही है। अभी तो कोहरा लगा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है, और कोशिश करते हैं आज बर्फबारी तक जाने का। तो देखिए जैसे ही मैं नीचे वाले घर पहुंचता हूँ ना, तो दुकान में देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। तो बारिश आने के बाद का ना ये एक अलग ही अनुभव है, सभी लोग अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज की प्लानिंग है वहाँ जाने की, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। इस भरी बारिश में मम्मी का काम चल रहा है यहाँ पे दो पकाने का। किट्टू कहाँ गए? ये इसको भी बिठा दे, आ जा किट्टू, अरे जहाँ यहाँ शेक आग शेक आग। इसको भी ठंडा लग जा रहा होगा बेचारे को यार। तो भैया गांव की लाइफ ऐसी होती है। दिन का 11:30 बज गया है और अभी भी बारिश कंटिन्यू है, और पार साइड को कोहरा लग गया है। और इसी के साथ हमारा काम चल रहा है आग सेकने का। चूल्हे में रखा हुआ है केटली जिसके अंदर पक रहे हैं गीठी। ठंडे के मौसम में गीठी बहुत बढ़िया होता है। तो यार चाचा आने वाले थे सुबह 9 बजे, और उसके बाद अभी आ रहे हैं ये 1:15। इन्होंने शायद एक एक खा दिया है। तो फिलहाल इस कोहरे वाले मौसम में चल दिए हैं फिर घर से अब बढ़िया करके। यार इतना ठंडा हो रहा था क्या, भयंकर मफलर जैकेट, और 11 बजे तक तो आप रजाई से नहीं निकले बाहर। कभी कभी नहीं, अब बुढ़ापा आ गया है, एक्सेप्ट कर लो। तो चलिए जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर से निकलने के बाद घ्यू बिलोनी, और यहाँ को देखिए हल्की फुल्की सी बर्फबारी देखने को मिल जा रही है रोड के ऊपर और नीचे साइड में। तो ये वाली सीजन की हमारे यहाँ पहली बर्फबारी है, और हम लोग पहुंच गए हैं सीधे राता पानी। और अब देखिए यहाँ को पेड़ों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है जो कि हल्के हल्के गिर रही है, और यहाँ पे है किया सेल्टो जो कि अटकी है शायद। तो अब ना यहाँ से ऊपर को जो है भैया कह रहे हैं कि टायर स्किड हो रहे करके, और ऊपर से पुलिस वाले अंकल की गाड़ी भी आ गई है। तो अब हल्का सा गुड्डू गाड़ी पीछे करेगा, आगे ले जाना है सूखी वाली में, पीछे ही सूखी वाली में। मुंशहरी तो बहुत ही ज्यादा बर्फ आ रही होगी ऊपर को। मुंशहरी नहीं जा पाओगे आप लोग? वहीं से आ रहे हैं मुंशहरी से सर। अच्छा आप लोग कहाँ से? यही लोकल के ही हम तो। हाँ अरे मजा आ गया यार भाई। यहाँ देखो उनकी टायर यहाँ पे स्किड हो गई थी, तो अब वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, और पुलिस वाले अंकल भी कह रहे हैं कि यहाँ से ऊपर को जाने जैसा नहीं है क्योंकि ऊपर को ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी। तो एक बार ट्राई करेंगे, शायद अगर होगा तो जाएंगे, नहीं तो यही पूरी मस्ती कर लेंगे। अरे यार चश्मा लाना भूल गए बुढ़ा ने यार, ये कल आंखों में जलन करेगा। थरो आए, चूक गया यार। ओ भाई तो भैया फाइनली अब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी, भले हम लोग पैदल पैदल रास्ते रास्ते चले जाएंगे क्योंकि आगे थोड़ा सा मामला खराब ही है। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, अब यहाँ से रास्ता है पगडंडी पगडंडी पगडंडी, तो क्या जाएंगे हम लोग, शॉर्ट भी चले जाएंगे तो ऊपर ऊपर जाते हैं है? हाँ चलो अब ना ना अभी नहीं घुमाई। तो देखो इस सीजन की पहली बर्फबारी में निकले हैं, ना कुछ काम ना काज, बस भटकते भटकते जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग राता पानी पहुँचने वाले हैं,
और हम लोग ऊपर को जाने की सोच रहे थे, तो पुलिस वाले अंकल ने कहा था भाई ऊपर को नहीं जाना है, ऊपर को बेकार सा मामला है, तो क्यों रिस्क लेना, यहाँ तक आ गए हैं, बस सवारी भी हो ही रही है, मतलब तो बढ़िया ही है सीन। तो देखिए यहाँ से ऊपर को ना कोई गाड़ी नहीं गई है, फोर व्हीलर वाले जितने भी आए होंगे यहाँ से उन्होंने बैक कर रखा है, तो यहीं पे देखो खतरनाक डिजाइन बना दे रखा है, तो ये सीन है। बाकी यहाँ से ऊपर को शायद कोई बाइक वाले गए हैं, ये सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये किसी बाइक वाले की पहचान है। तो यहाँ पे रहा राता पानी, और यहाँ पे ना डॉगी भौंक रहा है, भाई कह रहा होगा कहाँ से आ रहे हो तुम लोग ऐसी बर्फ में, निकल जाओ समय पर घर को। तो ये देखो कितनी प्यारी सी बर्फ हो रही है यहाँ पे, इसके जूते भीग गए, और यहाँ पे बुड्ढन लगे छोटे बच्चों की तरह, बनाओ बनाओ स्नोमैन बनाओ, पर चापड़ नवा धवा करो तब ब्लॉग जोड़ीदार बनाएंगे ना इसका। बोल भी ना कुछ यार, देखो यहाँ पर देखो ये जैसे कि स्नोमैन बनाते हुए लगे हैं, मेहनत बेकार, यहाँ पर मेहनत बेकार जाती हुई। अभी इस बार काफी बड़ा बना दिया, इसको सफर करना काफी जरूरी हो जाएगा अब। गिराना नहीं अब डेन, इसको ट्रैक्टर का टायर बन गया ये तो। ओए ओए सॉरी, क्योंकि हमने दो स्नोमैन वहां पे बना दिया है, तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी करनी जरूरी है, तो टायर बना दिए हैं, एक ही टायर में बिठा के इनको रोला रफा में भेजना है। तो वहां से दो बुलेरो आ रहे हैं, तो वो देखते हैं वो लोग यहाँ तक आते हैं या फिर यहाँ से भी ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम भी सोचेंगे जाने का या रुकने का जो भी होगा। तो एक टायर हमने यहाँ पे बना दिया है, दूसरा टायर अब यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से लेके उस कोने तक तो बड़ा बन जाएगा। सोजा सोजा, मखमल की गद्दी मिली है ना, सोजा। तो अब गुड्डू की जिद हो रही है कि बुलेरो वाले तो चले गए हैं ऊपर को, हम भी जाते हैं करके, तो गुड्डू जा रहा है गाड़ी लेने के लिए जो कि हमने वहां लगा रखी है, वहां से हम पैदल पैदल घूमते घूमते यहाँ तक आ गए हैं। पता नहीं क्या करता है ये, हम तो मना कर रहे हैं चाचा भी, मैं भी, चढ़ती है ठीक, नहीं चढ़ती है तो घर वापसी, क्योंकि खेल भी बहुत दिया है, हाथ देखो लाल हो गए बर्फ के साथ खेलते खेलते। संभोलिया भी खेला क्यों, ऐसा वाला ना उठन सम। तो यहाँ ना खेलते खेलते अब देखिए चारों ओर पूरा धुंधी धुंध हो गया है, तो अब थोड़ा बहुत दूर का जो एरिया है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ माहौल है। बाकी गुड्डू नहीं मानने वाला है, वो गाड़ी लेके आ गया है, वो देखो। तो अब चल दिए हम लोग यहां से ऊपर को, तो यहाँ पे ना राता पानी में ग्रिफ वालों ने हमें रोका और पूछा कि कितना आगे जा रहे हो, अगर थोड़ा बहुत जा रहे हो तो चले जाओ, और ज्यादा आगे जाना है तो रोड बंद है, रोड नहीं खुली है बस, कल खुली है, तो मुंसारी के लिए रोड बंद है भाई साहब। ओहो हो, पेड़ों में बर्फ, क्या ही मजा आता है ऐसा सीन देख के ना, ये देखो यार, चल ले 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 थोड़ा ले। ओ भाई टायर स्किट हुआ था, ये देखो भाई साहब क्या आवाज आ रही है ना बर्फ दबने की।
फुल मस्ती हो गई यार आज तो ना बर्फ बर्फ में। अब देखो यहाँ से नीचे को पूरी बर्फीली वादियाँ, राधा पानी। हो और गुड्डू भाई कह रहा है मेरी फोटो शूट कर दो यार एक। आप लोगों को ना एक चीज और दिखाते हैं, बुढ़ापे में बचपना देखो भाई साहब। फेंको। अरे यार टूट गया। तो दोनों मामा भांजा लगे हुए हैं बर्फ का गोला बनाने में, ये तो फेंक भी दिया यार, ये फिर टूट गया। सभी कोशिशें नाकामयाब होती हुई हमारी। अब तो मैं कह रहा हूँ घर की ओर भी चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घर जाने में भी। घर जाने में भी आप ठीक ही रहेगा मतलब ना। अब गया अंदर तो। बर्फबारी कंटिन्यू हो गई है, हल्की सी आप लोग देख सकते हैं पड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ रुकना बेकार हो जाएगा वरना हम अटक जाएंगे। क्यों यहीं, अगर समय पर नहीं गए तो हम लोग यहीं अटक सकते हैं, तो अटकने से अच्छा है कि समय पर घर की ओर निकल जाते हैं। मेरे बालू में या मेरी टी शर्ट में आप लोग देख सकते हैं लाइव स्नोफॉल। मजा आ रहा है, क्यों आज आनंद आ गया ना इस बुढ़ापे में भी बच्चों वाले काम कर रहे हो यार, कहाँ ले जाओगे ये बर्फ। उसने गाने भी लगा दिए हैं पहाड़ी प्रहलाद मेहरा जी के, हम बहुत सुनते हैं, फैन है उनके। चलिए हम लोग चलते हैं अब घर की ओर, बाकी जो हमारे साथ साथ आए हुए थे ना वो लोग अभी यहीं हैं। तो फाइनली शाम के 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए हैं। चाचा गुड्डू देवा देवा बढ़िया मजा आया होगा, क्यों आज तेरे को वहां स्नोफॉल में आया क्यों नहीं, फोन करा फिर भी नहीं आया। नहीं बाकी देखो शाम का मौसम ऐसा कुछ है, आज पूरा सफेद ही सफेद दिख रहा है चारों ओर। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में तय रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।